गाइस बिग बॉस के ऐसे 15 सीक्रेट पता हो जो कि आपको नहीं पता होंगे। जैसे कि क्या आपको पता है बिग बॉस में सलमान खान और एमसी स्टैन का सैलरी कितना है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो एमसी स्टैन के लिए ही बिग बॉस देखते हैं। या फिर क्या आपको ये पता है कि बिग बॉस पहले कलर्स पर नहीं किसी दूसरे चैनल पे आता था? क्या आपको उस चैनल का नाम पता है? नहीं। तो अगर आपको भी बिग बॉस के बारे में ऐसे 15 सीक्रेट जानना है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि बिग बॉस में होली बुक अलाउड नहीं है? होली बुक मतलब महाभारत, गीता, कुरान ये सब बुक। अगर किसी कंटेस्टेंट को ऐसे बुक पढ़ना भी है तो उनको बिग बॉस से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसे किताब पढ़ सकते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि बिग बॉस में अल्कोहल कम्प्लीटली बैन नहीं है? कोई कोई कंटेस्टेंट होते हैं ना जिनको शराब का आदत लग चुका होता है और वो लोग शराब के बिना नहीं रह सकते, इसलिए उन लोगों को ज्यादातर जूस के रूप में शराब दिया जाता है। गाइस बिग बॉस के कंटेस्टेंट कभी भी अपने मर्जी से शो बीच में क्विट नहीं कर सकता, क्योंकि जब कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में एंटर करते हैं तब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट बीच में शो क्विट नहीं कर सकता, और अगर कोई कंटेस्टेंट ऐसा करे तो उनको 2 करोड़ का भी फाइन लग सकता है। गाइस बिग बॉस का एक और सीक्रेट, हमें बिग बॉस में दिखाया जाता है कि चारों ओर कचरा फैला हुआ है, इधर किसी का कपड़ा, इधर किसी का कोई और ना जाने क्या क्या चीज घर के चारों ओर फैला हुआ होता है। और हमें टीवी पर तो यही दिखाया जाता है ना, ये सारे कचरे कंटेस्टेंट ही सफाई करते हैं, जिसके लिए कंटेस्टेंट के बीचों में काफी झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पर्दे के पीछे ये लोग सफाई कर्मचारी रखते हैं जो कि हर वीकेंड में आके ये सभी सफाई करके जाते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि बिग बॉस का जो आप घर देखते हो ना, उधर चारों ओर कैमरे लगाया होता है, घर के छत पर कैमरा, दीवारों पर कैमरा, खिड़की पर कैमरा, दरवाजों के ऊपर भी कैमरा, इवन तो मिरर पर भी कैमरा होता है। ऐसे तो कोई कंटेस्टेंट शीशे के सामने जाकर देखे वो कैसा लग रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये लोग इतने सारे कैमरा क्यों लगाते हैं क्या आपको पता है? ये लोग इतने सारे कैमरा इसलिए लगाते हैं ताकि एक परफेक्ट शॉट मिले। और ये लोग सिर्फ बाथरूम पर ही कैमरा नहीं लगाते, बाकी तो घर के चारों ओर कैमरा लगा हुआ होता है। और गाइस हम ऑडियंस जो वोट करते हैं ना, वो उन लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। जो बंदा उन लोगों को रेगुलर ड्रामा पर भी ज्यादा टीआरपी लाते हैं उनको ये लोग आगे तक रखते हैं। और ये बिग बॉस का बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जो कि आपको मेरे हिसाब से तो इससे पहले नहीं पता था। और गाइस बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ घर में कौन कौन रहने वाला होता है, क्योंकि बिग बॉस शुरू होने से पहले जो जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए हैं वो लोग किसी को भी ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते, और अगर कोई कंटेस्टेंट इस रूल को ब्रेक करे तो उनको बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है। गाइस आप लोगों ने बिग बॉस का वॉइस तो सुना ही होगा। बिग बॉस आते हैं, और एक टाइम पर तो बिग बॉस इस वॉइस के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है इस वॉइस के पीछे कौन है? इस वॉइस को देते हैं अतुल कपूर ने। हाँ, वही अतुल कपूर जो कि हजारों फिल्म में अपनी आवाज दे चुके हैं। और गाइस क्या आपको पता है कि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, वो कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि बिग बॉस ये सभी अलाउ ही नहीं करते। अगर किसी भी कपड़े या फिर आइटम पर किसी ब्रांड का नाम या फिर टैग हो तो ये सभी चीजें बिग बॉस अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर कोई कंटेस्टेंट किसी भी ब्रांड का कपड़ा पहन के आ जाए तो फोकट में ही उस ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए ही सारे के सारे कंटेस्टेंट को नॉर्मल कपड़ा पहनने के लिए दिया जाता है। और गाइस जब ये सभी कंटेस्टेंट घर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो सभी कंटेस्टेंट का एक एक करके चेक किया जाता है। उन लोगों को अपने साथ घर ही लाने का परमिशन भी नहीं होता, इसलिए तो ये लोग शाम के टाइम पर भी दोपहर का लंच ही कर रहे होते हैं, और ये लोग कोई भी खाने का सामान, मोबाइल ये सब अपने साथ नहीं ला सकते। गाइस आप लोग जो देखते हो ना, ये सारे कंटेस्टेंट घर पर ही खाना बना के खाते हैं, ये पूरा का पूरा सच नहीं है। वीकेंड में इन लोगों को एक बार बाहर का खाना खाने को दिया जाता है, क्योंकि उस दिन ये लोग ड्यूटी फ्री होते हैं तो अपने मन पसंद का कुछ भी खाना खा सकते हैं। गाइस आप लोग भी सोचते थे ना, सलमान खान तो बिग बॉस का होस्ट है तो वो तो सारे एपिसोड ही देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान खान बिग बॉस के सारे एपिसोड नहीं देखते, सलमान खान तो है अपने बिजी आदमी, इसलिए सलमान खान बिग बॉस के कुछ इम्पोर्टेंट एपिसोड ही देखते हैं। गाइस बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को समय समय पर ही मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, और तबीयत खराब होने पर दवाइयां भी दी जाती है ताकि शो के सेट में रहते हुए कोई भी दुर्घटना ना घटे। गाइस बिग बॉस जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो बिग बॉस पहले सीजन से ही कलर्स पर नहीं था, पहले सीजन में बिग बॉस सोनी टीवी पर आता था, और पहले सीजन में बिग बॉस के होस्ट थे अरशद वारसी, और पहले सीजन में बिग बॉस कुछ खास कमाल नहीं कर पाया तो सोनी टीवी ने कलर्स को बिग बॉस को बेच दिया। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि बिग बॉस के अंदर सलमान खान और एमसी स्टैन का सैलरी कितना है। तो हम पहले बात करते हैं सलमान खान के बारे में, तो रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट सीजन सलमान खान बिग बॉस से 350 करोड़ कमाए, और इस सीजन सलमान खान हर एपिसोड के 8 करोड़ लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में, तो एमसी स्टैन को बिग बॉस 16 में हर एपिसोड के लिए 7 से 8 लाख रुपए मिलते हैं। तो गाइस ये थे बिग बॉस के ऐसे 15 सीक्रेट जो आपको पहले नहीं पता थे। तो गाइस यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।